रश्मि देसाई की तेजस्वी प्रकाश के खिलाफ ये बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी है रिवील। आखिरकार रश्मि देसाई के क्या है प्लान्स, आपको मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि फिलहाल रश्मि देसाई जो चाल चल रही है इस बार बिग बॉस के घर में, एकदम बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि कट टू कट पॉइंट्स चलती हुई नज़र आ रही रश्मि देसाई। रश्मि ने देखा कि ऑलरेडी तेजस्वी प्रकाश के जो दोस्त थे, यानी कि एक तरफ करण कुंद्रा, दूसरी तरफ उमर रियाज, दोनों से ही तेजस्वी प्रकाश के हो चुके हैं अनबन मन मुटाव, यानी कि तेजस्वी प्रकाश अब बच गई हैं अकेली। एक तरफ करण कुंद्रा उनसे नाराज़ हैं, दूसरी तरफ उमर रियाज से वो झगड़े कर चुकी हैं, तो तेजस्वी अब अकेली रह गई हैं। अब रश्मि देसाई यहाँ पर चाल ये चल रही है कि तेजस्वी को अकेला छोड़कर वो अब करण कुंद्रा से तो फ्रेंडशिप उनकी चलती ही है, करण कुंद्रा को का वो कान भर चुकी हैं पहले से ही तेजस्वी के खिलाफ। अब वो बैठकर, आपको बता दूं कि यहां पर अब निशांत के साथ भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं, यानी कि पहले तेजस्वी जो है निशांत की भी दोस्त हुआ करती थी और अब निशांत के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए ये बोल रही हैं कि वेल मुझे भी गेम में रहना है और आगे जाना है, तो हम दोनों मिलकर के गेम खेले। हालांकि निशांत भी ये कहते हैं कि भाई तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों की ज़्यादा बातें नहीं हुई है, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में अब जो रश्मि देसाई है वो धीरे धीरे तेजस्वी की सबसे दूरियां बनवाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें उनकी सबसे डिफरेंसेस कट ऑफ करवा रही हैं और खुद अपनी जगह बना रही हैं। यानी कि ऑलरेडी करण कुंद्रा के कान भर चुकी हैं तेजस्वी के खिलाफ, उमर रियाज भी हो चुके हैं तेजस्वी के खिलाफ और अब निशांत भट्ट को भी अपनी तरफ कर रही हैं रश्मि देसाई। तो वह रश्मि देसाई की इस प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में क्या है आपके राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल के साथ।